नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज न्यूज इंडिया। देखिए दिन भर की प्रमुख खबरें। चिकित्सक की नियुक्ति के साथ ही बड़ा किलकारियों का शोर। भिंडर स्थानीय गुलाब सिंह शक्तावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 7 माह तक प्रसूति रोग विशेषज्ञ न होने से प्रसूतियां काफी कम हो गई थी। 2 माह पहले डॉक्टर सुरेंद्र यादव की नियुक्ति होने के साथ ही महीने की 50 से 70 डिलीवरी अब 100 से ज्यादा होकर 120-130 होने लग गई है। बातचीत में डॉक्टर यादव ने बताया। भिंडर से सुरेश प्रजापत की रिपोर्ट। मेरी पोस्टिंग भिंडर में है। मेरे आने के बाद यहाँ पे हर महीने जो डिलीवरियाँ पहले 50 से 60 होती थी, आज वो संख्या 120 से 130 हो गई है। यहाँ पे मेरे आने के बाद मैंने 35 नसबंदी सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर दिए हैं। 2 जिनके बच्चे दाने के मुंह छोटा रहता है उसका टाके लगाने के ऑपरेशन हुए हैं और 1 बड़ा बच्चे दाने का ऑपरेशन हुआ है। आने वाले समय में यहाँ जिस हिसाब से देखा जा रहा है उस हिसाब से ओपीडी जस्ट डबल हो गई है, पहले से 2 गुनी हो गई है। एंटीनेटल और गायनिक ओपीडी है जो, और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि भिंडर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले समय में 200 के पास। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार जो कहती है वह करती है। ओमकारेश्वर की स्वास्थ्य समस्या को गंभीरता से लिया गया है। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर के सिविल अस्पताल में क्षेत्र के नागरिकों की मांग पर 108 एम्बुलेंस की सुविधा स्वास्थ्य एवं प्रभारी मंत्री खंडवा श्री तुलसीराम सिलावट द्वारा 15 दिन का समय मांग कर सिर्फ 2 दिन में ही पूरी की गई। विधायक श्री नारायण पटेल द्वारा हरी झंडी दी गई। दिलीप वर्मा की रिपोर्ट, ओमकारेश्वर। और कैसे श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिलेगा? ये इमरजेंसी में मरीज के लाने के लिए है, और जो कहीं भी एक्सीडेंट होता है, इमरजेंसी में कोई डिलीवरी होती है और कोई भी अज्ञात लाश या इस टाइप से होती है मैसेज आते हैं तो इनको इन्फॉर्म करते हैं। अगर वो जीवित है तो ये इस गाड़ी के द्वारा लाया जाएगा और उसका उपचार क्या है और उसका रहना यहीं रहेगा। यहाँ से पेरीफेरी में जहाँ भी जरूरत पड़ेगी तो गाड़ी जाएगी, मरीज को लाएगी। ओंकारेश्वर से बाहर जाएगी या यहीं रहेगी? ओंकारेश्वर क्षेत्र में रहेगी और यहाँ के पेरीफेरी के गाँव से रिलेटेड है। नहीं, यहाँ पर डॉक्टर है, 2 है अभी, सुलगांव के डॉक्टर को करा है और रिसवाल के डॉक्टर से किया है। 3 डॉक्टर है, वैसे पोस्ट यहाँ 3 की है लेकिन अभी 2 डॉक्टर काम करेंगे। सिविल अस्पताल का दर्जा मिला या नहीं? हाँ, सिविल अस्पताल का दर्जा मिल गया कुंभ मेले के बाद, लेकिन अभी पूरे स्टाफ है वो पदस्थ नहीं हुआ है और उसकी कोशिश चल रही है। यहाँ पर संसाधनों की कमी है, सिविल अस्पताल का दर्जा नहीं है, यहाँ पे महिला डॉक्टर नहीं है और डिफरेंशिएट नहीं किया कि महिला चिकित्सक होना चाहिए, पर 3 डॉक्टर होना चाहिए ऐसा गवर्नमेंट चाहती है। एम्बुलेंस तो मध्य प्रदेश सरकार ने भेजी है, आगे मुख्यमंत्री से आपकी क्या चर्चा हुई? देखिए, मैंने यहाँ पे 1 हफ्ता पहले दौरा किया और यहाँ के हाल जाने, इसके बाद पूरी यहाँ की जानकारी लेकर माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास गया और उसमें यहाँ की जो कमियाँ डॉक्टरों की उसमें भी कुछ दिन में यहाँ पे उनकी भर्तियाँ होगी, उनकी पोस्टिंग होगी और अभी तात्कालिक हमारे माननीय प्रभारी मंत्री तुलसीराम जी सिलावट अभी परसों दौरे पे 2 रोज पहले जो आए थे, हमारी मीटिंग थी, मेरे आग्रह पर उन लोगों ने यह मीटिंग ली, पूरे जिला स्तरीय बैठक हुई और उसमें क्षेत्र के लोगों की मांग निकली कि यहाँ एम्बुलेंस दिलाई जाए। और देखिए, अब 2 रोज के अंदर एम्बुलेंस हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने, तुलसीराम सिलावट जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके आग्रह पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्था करा दी है और उसको आज हमने हरी झंडी देकर और क्षेत्र की जो हमारे जो पीड़ित रहेंगे उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये व्यवस्था की। डॉक्टरों की कमी कितने दिनों में पूरी हो पाएगी? डॉक्टरों की कमी भी जल्द से जल्द पूरी की जाएगी।